अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं जी बीए बीएससी के जो ओल्ड पेपर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। तो आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स कोर्स बी पेपर ए, उसमें से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका जो ए पार्ट है उसमें कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने उसको सॉल्व करना है जी। डी पावर 4 प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 9 इनटू वाई इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 5 कोस 2x, ये फोर्थ डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है जी, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर तो आपके पास राइट हैंड साइड पर क्या आ जाए जी, जीरो आ जाए, तो ये आपके पास क्या होती है जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन अगर आपके पास राइट हैंड साइड पर क्या आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं जी आपके पास है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जब भी स्टूडेंट्स आपने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो आपके पास उसका जो सोल्यूशन आता है वो जनरल सोल्यूशन होता है। तो जनरल सोल्यूशन को हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू वाई सी और प्लस वाई बी। यहाँ पर जो आपके पास स्टूडेंट्स वाई सी है वो आपके पास है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और जो आपके पास वाई पी है वो आपके पास क्या जी, पार्टिकुलर सोल्यूशन या फिर इंटीग्रल सोल्यूशन। हम इसका निकालेंगे जी पहले वाई सी सोल्यूशन, फिर निकालेंगे जी हम इसका वाई पी सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसका सोल्यूशन है जी, हमने बनाना है जी इसका वाई सी सोल्यूशन। वाई सी सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या जी, राइट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए जी, जीरो। जीरो उस वक्त बनेगा जब हम इस वाई का जो कॉफिशेंट है इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जब इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगी जी, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी जी। तो हम लिखते हैं जी टू फाइंड वाई सी, तो द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपके पास बनेगी डी की पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा जी। अब हमें पता है कि जितनी इसकी पावर है उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, रूट आएंगे जी। आप यहां पर एम भी लिख सकते थे जब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनती है। हम इसको डी में सॉल्व करेंगे जी, हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं जी। अगर मैं डी इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 का स्केयर आ जाएगा और माइनस का 9 विच इज़ इक्वल टू 0। 1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर है तो 1 ही आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0, और ये 0 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, 0 आ गया जी। तो इसका मतलब है डी इज़ इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का क्या जी, एक फैक्टर है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, अगर आपके पास क्या जी, डी इज़ इक्वल टू माइनस 1 आ जाए, यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास माइनस 1 की पावर 4 आ जाएगा प्लस 8 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस 1 की पावर 4 है, 4 आपके पास क्या जी, एक इवन नंबर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये प्लस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 8, ये माइनस का 9 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं जी, एक तो मिल गया आपके पास डी इज इक्वल टू 1 और दूसरा मिल गया आपके पास डी इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम यूज़ करते हैं जी सिंथेटिक डिवीज़न। तो सिंथेटिक डिवीज़न के लिए क्या जी, आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, मतलब पहले हाइएस्ट पावर फिर लोएस्ट। ये है आपके पास डी की पावर 4 है, इसके बाद आपके पास क्यूब आता है, क्यूब नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 डॉट डी क्यूब, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 8 डी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का प्लस का फिर आपके पास आ जाएगा जी 0 डी और माइनस का 9 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। अब हम यूज़ करते हैं जी सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हैं जी। सिंथेटिक डिवीज़न है जी आपके पास, द सिंथेटिक डिवीज़न इज, द सिंथेटिक डिवीज़न इज, हम सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करते हैं। अब हम लिखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न को कुछ इस हिसाब से कि यहाँ पर आपके पास डी पावर 4 है, इसका कोफिशेंट कितना है, यहाँ पर इसका आ जाएगा जी 1, सारे के हम लिखेंगे जी कोफिशेंट, ये आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 8 और ये बन जाएगा आपके पास 0 और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 9 आ जाएगा। पहले हम पुट करते हैं डी, जब पहले हम डिवाइड करते हैं डी इज इक्वल टू 1 पर लें जी, 1 के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इंटीजर को हम कुछ नहीं कहते, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, जो आंसर आएगा हमने नेक्स्ट लिखना होता है।
जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा जी, वन आ जाएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। एट प्लस वन कितना आ जाएगा जी, नाइन। नाइन को वन से मल्टीप्लाई किया ये नाइन आ जाएगा। जीरो प्लस नाइन कितना आ जाएगा आपके पास, नाइन आ जाएगा। नाइन को वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का नाइन, ये आपके पास कितना आ गया जी, जीरो आ गया जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या जी, डी इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन के लिए सॉल्व कर दिया, जब हमने d इज इक्वल टू वन के लिए सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी डी की डी क्यूब में। अब हमारे पास क्या है जी, d इज इक्वल टू माइनस वन के लिए सॉल्व करते हैं तो ये एज इट इज ही आ जाएगा वन। वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन आ जाएगा, ये जीरो बन गया। जीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास नाइन आ जाएगा। नाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन से, माइनस नाइन आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास जीरो आ जाएगा। तो हमने डी क्यूब के लिए सॉल्व किया तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी डी स्केयर में। तो हम लिखते हैं जी डी स्केयर और प्लस का जीरो, डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नाइन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाएगा। ये बन गया आपके पास डी स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस नाइन आ गया। यहाँ से आपके पास डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस थ्री एटा आ जाएगा जी। आपके पास कितने आ गए जी, चार सोल्यूशन आ गए हैं जी। एक है आपके पास डी इज इक्वल टू वन, दूसरा है आपके पास डी इज इक्वल टू माइनस वन, तीसरा है आपके पास डी इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ओटा। आपने जब इस चैप्टर को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था तो उस वक्त आपने देखा था आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे। आपके पास आ सकता है रियल एंड डिस्टिंक्ट आ सकता है, या फिर रियल एंड आपके पास रिपीटेड आ सकता है, या फिर आपके पास कम्प्लेक्स आ सकता है। आपके पास सोल्यूशन आए हैं जी, ये आपके पास क्या है, रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है, दोनों रिपीट नहीं हो रही है, वन है या माइनस वन है, और ये आपके पास क्या है जी, इमेजिनरी है यानी कि कम्प्लेक्स रूट है। तो लिखने का अंदाज कुछ इस तरह से था आपके पास वाई सी विच इज़ इक्वल टू, आप लिखते थे सी वन ई की पावर एम वन एक्स। एम वन कितना है आपके पास, वन, ये बन जाए वन डॉट एक्स, आपके पास एक्स आ गया, प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। एम टू आपके पास कितना है जी, माइनस वन, ये बन गया आपके पास माइनस का एक्स, प्लस आ गया आपके पास। अब बात करते हैं हम इसकी, तो हम लिखते हैं इसको सी थ्री कोज थ्री एक्स आ जाएगा, और प्लस सी फोर साइन कितना आपके पास आ जाएगा जी, थ्री एक्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया जी, आपका वाई सी सोल्यूशन बन गया जी। अब हम निकालते हैं जी इसका वाई पी। वाई पी सोल्यूशन है जी आपके पास वाई पी विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं जी आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स, और ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है जी, एफ ऑफ डी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास नाइन एक्स क्यूब आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा आपके पास फाइव कोस टू एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास डी पावर फोर प्लस एट डी स्केयर आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास नाइन आ जाएगा जी। तो अलग अलग कर लेते हैं, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपके पास क्या जी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू नाइन एक्स क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय डी पावर फोर प्लस एट डी स्केयर आ गया, और माइनस नाइन आ गया, प्लस आपके पास आ गया जी फाइव कोज टू एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय डी पावर फोर प्लस ए डी स्केयर, और माइनस का कितना आ गया आपके पास नाइन आ गया जी। क्योंकि ये आपके पास क्या है जी, पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन बनता था तो हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते थे, तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए आपके पास क्या है जी, यहाँ पर वन होना चाहिए। तो ये बन जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू नाइन एक्स क्यूब आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ जी, माइनस का नाइन कामन ले लूँ, यहाँ पर बन जाएगा जी आपके पास वन, ये आ गया आपके पास वन। तो माइनस ये आ जाएगा आपके पास डी पावर फोर प्लस एट डी स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर नाइन नहीं था तो इसके हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं जी। जब मैं इसको इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही वाला फंक्शन बनेगा जी। तो नाइन से नाइन कैंसिल आउट आ जाएगा, प्लस आ गया आपके पास। अब है हमारे पास ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आपके पास आता था आप उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते थे। आपके पास कोज एक्स आता था तो आप लिखते थे ई की पावर एटा एक्स, साइन एक्स आता था तब भी आप ई की पावर एटा एक्स लिखते थे। अब जितना एक्स होता था उतना ही आप एटा एक्स लिखते थे। अब यहाँ पर टू एक्स है तो लिखेंगे जी ई की पावर टू एटा एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास है जी डी की पावर फोर प्लस एट डी स्केयर, और माइनस का कितना आ गया जी आपके पास नाइन आ गया जी। चूँकि यहाँ पर आपके पास क्या है जी, कोज है, कोज के लिए हम लेते हैं जी रियल पार्ट, ये साथ के साथ आपने मेंशन करते जाना है जी। जे अगर यहाँ पर होता आपके पास साइन तो आप लिखते हैं आपके पास ना जी इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ गया इन टू वन माइनस, ये आ गया आपके पास डी पावर फोर प्लस एट डी स्केयर ओवर नाइन, और इसकी पावर कितनी है आपके पास माइनस का वन है।
प्लस, अब हम क्या करते हैं जी, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया ये, एक्स का जो कोफिशेंट होता है वो हम डी में पुट करते हैं जी, हम डी में पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2 iota इसकी पावर 4 आ जाएगा प्लस 8 into 2 iota इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस का 9 आ गया, 2 iota की पावर 4 है तो ये बन जाएगा आपके पास 16 iota की पावर 4 प्लस 2 iota का स्केयर 4 iota स्केयर बन जाएगा, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा आपके पास 32 iota स्केयर आ जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा, iota की पावर 4, iota की पावर 4 को लिख सकते हैं ना, iota स्केयर इसका स्केयर, यानी कि 16 iota स्केयर इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस 32 into iota स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, ये माइनस का 9 आ जाएगा, iota स्केयर माइनस वन के इक्वल होता है, ये बनेगा माइनस वन का स्केयर और ये माइनस का 32 और ये बन जाएगा माइनस का 9, माइनस वन का स्केयर पॉजिटिव वन आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस का 32 और माइनस का 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 9 minus 41 आ जाएगा तो ये माइनस का 25 आ गया आपके पास, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये बन जाएगा आपके पास 5e2iota x इंटू रियल पार्ट डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया जी, माइनस का 25 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जी, 1 plus x की पावर क्या जी आपके पास n है, n आपके पास क्या जी माइनस का 1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास yp = -x³ आ जाएगा, तो यूजिंग बाइनोमियल सीरीज ये बन जाएगा आपके पास 1 plus nx माइनस का 1 और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास n कितना जी 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास d^4 + 8d² ओवर कितना आ गया आपके पास 9, फिर आप लिखते हैं जी प्लस n into n-1 ओवर 2 factorial इंटू आपके पास क्या आ जाएगा जी एक्स का स्केयर, एक्स आपके पास है जी d^4 + 8d² ओवर क्या जी आपके पास 9 इसका स्केयर आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा जी, अगर हम इसका स्केयर ओपन करें ये बनेगा आपके पास d^8 ये बनेगा आपके पास d^4 तो हमें तो चाहिए जितनी एक्स की पावर होती है, एक्स की पावर कितनी है जी आपके पास 3 तक चाहिए हमें, 3 वाली टर्म भी चाहिए और 3 से कम वाली भी चाहिए, तो आपके पास एक है 8d² यहाँ तक आपका काम चल जाएगा, d^4 भी हमें नहीं चाहिए और इससे नेक्स्ट भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 1 5 5 5 5 कितना होता है आपके पास 25 e^2iota x आ जाएगा ओवर आपके पास 5 आ गया और ये आपके पास बन गया जी रियल पार्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं निगलेक्टिंग हायर टर्म, निगलेक्टिंग हायर टर्म यानी कि जो आपको ना चाहिए उसको आपने निगलेक्ट कर देना है जी, तो यहाँ से आपके जब निगलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा yp = -x³ आ जाएगा आपके पास 1 plus d^4 को निगलेक्ट कर दिया, बाकी आ गया आपके पास 8d² ओवर क्या आ गया आपके पास 9 आ गया जी, तो ये वाली टर्म वैसे निगलेक्ट होगी, तो बाकी यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1/5। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास क्या है जी e^iota x आयलर थ्योरम आयलर फार्मूला के तहत e^iota θ हो तो हम लिखते हैं e^iota θ विच इज इक्वल टू cos θ प्लस iota sin θ। अब इसको हम लिखेंगे cos 2x क्योंकि आपके पास क्या है जी थीटा के आपके पास 2x है, यह आ जाएगा 2x और प्लस iota sin 2x आ जाएगा, तो yp = आ जाएगा, मैं इसको इसे मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस का x³ आ जाएगा प्लस 8/9d² इंटू आपके पास क्या आ जाएगा x³ आ गया, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस आ जाएगा। अच्छा हमें चाहिए था रियल पार्ट, रियल पार्ट में iota नहीं आता तो हमें चाहिए यहाँ से रियल पार्ट हम ले लेंगे जी -1/5 cos 2x आ जाएगा। अब d² का मतलब क्या है जी सेकंड डेरिवेटिव, आपके पास फंक्शन है जी x³ तो पहला डेरिवेटिव लेंगे बन जाएगा आपके पास 3x² सेकंड लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा जी 6x जितनी d की पावर होती है उतना हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है जी आपके पास स्केयर है तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये आ गया आपके पास yp = -x³ आ गया -8/9 आ गया, d² की वैल्यू आपके पास कितनी है ये जी 6x है -1/5 cos 2x आ गया जी,
तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 3s are 9 आ जाएगा, 3 2s are कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, yp विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16/3 इंटू एक्स आ गया, माइनस 1/5 कोज 2x। ये आपके पास क्या बन गया है जी, आपका yp। हमें चाहिए था जनरल सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या था, y = yc + yp। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, फीडबैक देना ना भूलिएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी y = yc की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आपके पास थी c1e(x) + c2e (-x) + c3 cos आपके पास क्या आया था 3x, और प्लस c4 sin कितना आया था आपके पास 3x आया था। अब आ जाए आपके पास प्लस yp की वैल्यू आपके पास क्या है जी, ये है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस x³ आ जाएगा, माइनस 16/3 आ जाएगा, x आ गया माइनस 1/5 cos 2x आ गया, और यही हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था जी आंसर था। अल्लाह हाफिज़।